अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू निगीज किचन। आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाना बताऊंगी। ये इसमें मेरी बिस्किट का एक पैकेट चल लगेगा। स्ट्रॉबेरी मेरे पास रखी हुई थी फ्रीज हुई हुई, तो एक कप ये स्ट्रॉबेरी है और ये 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर है और जेलेटिन मुझे 2 टेबलस्पून चाहिए होगा। उसके लिए मैंने वार्म वाटर रखा है और ये दही है, 1 किलो दही था, उसको मैंने रात को बारी पतले कपड़े में हैंग कर दिया था कि जो उसका सारा पानी जो है निकल गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्किट मैंने इसमें बैग में डाले, इसकी हवा निकाल दी। अब इसको मैं इस ऐसे करके और इसको क्रश कर लूँगी। आप लोग चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को आसानी लगे। ये आराम से हो जाएंगे। अभी बहुत अच्छी डिश बनती है, बड़ी लाइट होती है, खाने में भी मज़ा आएगा। और आजकल गर्मी है तो थोड़ा सा मैंने कहा चले स्ट्रॉबेरी मेरे पास फ्रीज हुई हुई रखी हुई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी बिस्किट अब क्रश हो गया, इसमें ये मेल्टेड में बटर ऐड करूंगी। अब ये मैं इसको डिश में शिफ्ट कर देती हूँ। सारा खाली कर लिया। अब ये इसको प्लेन किसी बोल से प्रेस कर इसको जमा देंगे। ठीक है, इसकी बेस बना लेते हैं। अब मैंने उससे प्रेस कर लिया। अब मैंने गिलास से इसको दबा दबा के अच्छी तरह सा जमा लूंगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रखूंगी। ये मैंने तेज गर्म पानी कर लिया। अब इसमें 2 टेबलस्पून जेलेटिन का पाउडर मिला दूंगी। ठीक है, 2 टेबलस्पून हो गया। अब इसको हमने जल्दी जल्दी हिलाना है। अब ये जो दही था पानी निकाला हुआ हमने, तो उसमें मैं ये स्ट्रॉबेरी डाल रही हूँ। इसको मैं ब्लेंड करूँगी, फिर उसके बाद ये जेलेटिन इसमें ऐड करेंगे। अब ये देखिए थोड़े थोड़े से इसमें चंक्स रह गए हैं, इन चंक्स को सारा ब्लेंड नहीं करना। बस ये हो गया, मैं इसमें एडिशन करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसमें जेलेटिन ऐड कर दिया। जेलेटिन डालने के बाद इसमें मैं 2 टेबलस्पून 2 से 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क का ऐड करूंगी। आप लोग इसको ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा देख लीजिएगा कि मिठास कितनी है। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो चीनी ऐड कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ऑप्शन है आपके पास, आप लोग कर सकते हैं। ब्लेंड मैंने इसलिए नहीं कर रही कि ये जितने चंक्स हैं ना, ये सारे फिर बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको स्पैचुला से मिक्स करूंगी जब तक ये बिल्कुल एक जान नहीं हो जाती सब चीज़ें। अब ये देखें थोड़े थोड़े मोटे मोटे चंक्स नज़र आ रहे हैं ना, तो इसको रखना है। अगर हम इसे ब्लेंड कर देंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे सब, इसलिए इसको आपने हल्के हल्के हाथों से इस तरह, ये देखें मोटा मोटा नज़र आना चाहिए इसमें। जब ये जमेगा तो ये खाने में जब आएंगे तो बहुत ही टेस्टी ये चेंज होगा। ये 2 कप मैंने पानी ले लिया है, इसको पैन में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये जेली जो है, ये स्ट्रॉबेरी की जेली मैंने ली है, ये देखिए, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको हल होने तक 15 से 20 मिनट तक मैं पकाऊंगी। अब ये जेली हो गई है, मैं फ्लेम ऑफ करके जेली को
इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि ये जब तक ये ठंडी होगी और उधर मेरी बेस ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। ठीक है, अब ये ले देखिए, ये बिल्कुल इसकी बेस जो है बन गई है। तो अब मैं इसके ऊपर ये जो स्ट्रॉबेरी और उसका बनाया हुआ था पेस्ट, ये मैं रखती हूँ इसमें। ये मैंने इसको सेटिंग कर ली है इसमें। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं जेली को काट कर सेट करूंगी। आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा सेटिंग, मैंने तो इसको क्रश करके की है। जैसे आप लोगों का दिल चाहे वो आप लोग ऑप्शन अपने पास रखें, जैसा आप लोगों का दिल चाहे इसको किसी शेप्स में काट लें या कुछ करें। तो इसको मैंने इस तरह किया है। अभी मैं इसको डेकोरेट करती हूँ। और अब मैंने ये क्रश किए हुए बिस्किट जो है ना, ये इससे मैं थोड़ा सा इसको गार्निश करूँगी। आपकी मर्जी है करें या ना करें, मुझे तो ये थोड़ा सा ज़रा अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह मैंने इसको क्रश कर लिया था। इसमें बटर ऐड किया था और उसके बाद अब मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ। अब ये हो गया है, जम गया है। मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए, ये बिल्कुल बन गया। आप इसको पूरी रात भी रखिएगा ज़रा ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।